हेलो दोस्तों, हम लोग जून एंड जुलाई मंथ के करंट अफेयर की सीरीज़ को कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सातवां ओपेक अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? वियना में किया गया। वियना कहाँ की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया कहाँ की कंट्री है? ये यूरोप कंटिनेंट की कंट्री है। तो देखिए, यहाँ पे ओपेक की बात हुई है, तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओपेक के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, ओपेक की जो स्थापना है ये 1960 को हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? बगदाद में। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। और बगदाद कहाँ पे है? ये इराक की कैपिटल है। ठीक है, तो इसका था इराक में इसकी स्थापना हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। और इसका लेकिन जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? वियना में ही है। जो जिस वियना का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो वहीं पे वियना में ही, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहीं पे। लेकिन ओपेक की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1960 में बगदाद में हुई थी। तो जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय जो इसके संस्थापक जो सदस्य थे वो 5 थे। कौन कौन से थे? ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। लेकिन प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने इसके सदस्य? 15 हैं। 15 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। तो देखिए, एक बार मैं नाम बोल रही हूँ। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, जो कि 5 पहले से थे, और जो बाद में आते हैं वो लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वेडर, अंगोला और इंडोनेशिया था इसमें, वो पहले निकल जाता, लेकिन 2016 में इंडोनेशिया भी आ जाता, मतलब इंडोनेशिया हो गया, कॉन्गो, गुनिया। तो लेटेस्ट 2018 में जो ऐड हुआ तो कॉन्गो था। तो देखिए एक बार फिर से, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वेडोर, अंगोला, इंडोनेशिया, गुनिया और कॉन्गो। तो कॉन्गो लेटेस्ट जो है वो कॉन्गो ऐड हुआ है। तो बस ओपेक की स्थापना 1960 में कहाँ? बगदाद में हुई थी। मुख्यालय कहाँ? वियना, ऑस्ट्रिया में ही है, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तो टोटल 15 टोटल के मेंबर कंट्री हैं। और अभी जो इसका अंतर्राष्ट्रीय समारोह हुआ था वियना में ही हुआ था, और मुख्यालय भी कहाँ पे? वियना में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय ट्रैक एथलीट कौन है? तो कौन है? हिमा दास है। देखिए, हिमा दास ने 400 मीटर की दौड़ को 51.46 सेकंड में पूरा किया है। हिमा दास ने 400 मीटर की दौड़ को 51.46 सेकंड में पूरा किया है। ये असम की रहने वाली हैं। और जो इंटरनेशनल, ये जो यहाँ पे IAAF की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? फिनलैंड में हुआ था। क्या? IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई थी ये फिनलैंड में हुई थी। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो चैंपियनशिप भी, जो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय ट्रैक एथलेटिक हैं वो कौन है? हिमा दास है। 400 मीटर दौड़ में को इन्होंने 51.46 सेकंड में पूरा किया। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए सौर शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य की सरकार ने की है? ये गुजरात राज्य की सरकार ने इस योजना की। तो देखिए, गुजरात में हुई है, तो उसमें क्या था? देखिए, इसका जो मुख्यमंत्री, जो विजय रूपानी है, गुजरात के मुख्यमंत्री समय कौन है? विजय रूपानी है। तो उन्होंने इस योजना की जो घोषणा की, ये गांधीनगर में की। गांधीनगर में सूर्य शक्ति किसान योजना की उन्होंने घोषणा की। और उसमें इन्होंने ये बताया कि राज्य के जो किसान अगर 5% रकम लगा के अपने खेतों में सोलर पैनल लगाएंगे, अगर जैसे जो किसान हैं वो जब 5% इसकी रकम लगा के अपने खेतों में सोलर पैनल को लगाएंगे, तो क्या होगा? 60% रकम जो सरकार देगी और उससे 35% उन्हें कर्ज लेना होगा। मतलब कि 60% सरकार देगी, 35% जो कर्ज लेना होगा, 5% खाली किसानों को लगाना होगा। ठीक है, अब ये जो कर्ज देगी वो कौन देगी? नाबार्ड देगी। तो इस योजना में 12,400 किसानों को लाभ मिल सकेगा। इस योजना के अकॉर्डिंग सरकार ने इसमें यह बोला है कि 7 वर्ष तक 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाएगी, मतलब खरीदेंगे ये लोग जो किसान होंगे, और उसके बाद 18 साल तक 3.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेंगे। तो इस तरह इस योजना में सरकार ने जो 800 करोड़ रुपये का पूरा जो बनाया है ब्यौरा, वो इतने का बनाया है। इस योजना के जरिए सरकार को प्रतिवर्ष 175 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। तो कुल मिला के इसमें आपको ये ध्यान रखना, सूर्य शक्ति योजना जो है, किसान योजना गुजरात की है, तो इसमें जो है किसान अगर सोलर पैनल को लगाते हैं अपने खेत में, तो उससे क्या होगा? 60% रकम जो सरकार देगी और 35% उन्हें कर्ज लेना होगा। ये कर्ज कहाँ? नाबार्ड। इसे ये कर्ज कौन देगी? नाबार्ड देगी। तो ठीक है, इतना काफ़ी, इसमें और डीप में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दिल्ली
इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स मतलब वही है भारतीय दिल्ली काउंसिल वर्ल्ड अफेयर्स, तो ICWA, तो क्या हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, TC राघवन को नियुक्त किया गया है। और TC राघवन को नियुक्त किसने किया है, जो ICWA के अध्यक्ष हैं। तो ICWA के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने इन्हें जो TC राघवन को क्या नियुक्त किया है, इसका महानिदेशक नियुक्त किया, किसका, ICWA का। तो ICWA की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की सदस्यता त्याग दी है, तो UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की सदस्यता किसने त्याग दी है, तो किस, देखिए पहले UNHRC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आप क्वेश्चन का जो है आंसर क्या, अमेरिका है। किसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो है मानवाधिकार परिषद की सदस्यता को त्याग दिया, तो अमेरिका ने त्याग दिया है। अब यूनाइटेड जो UNHRC है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो कहाँ पर, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब किया गया था, तो 2006 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जून 2006 में किया गया था। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया था, इसके पहले मानवाधिकार आयोग बोला जाता था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में किया जाता है। इस परिषद में कुल 47 सदस्य हैं, जिसमें से एशिया के 13, अफ्रीका के 13, पूर्वी यूरोप के 6, पश्चिमी यूरोप के 7 और लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन के 8 हैं। तो फिलहाल अब तो एक लोगों ने सदस्यता ही इसकी त्याग दी है, वो अमेरिका ने। तो पहले क्या होता था, जो ये था मानवाधिकार आयोग, तो वो जो था, अब ये संस्था जो है वो महासभा के अधीन होती है, जो अब वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है ये क्या है, ये महासभा के अधीन है, जबकि जो पहले मानवाधिकार आयोग था वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन होता था। जो पहले संयुक्त, जो पहले वाला था वो किसके, आर्थिक सामाजिक परिषद के अधीन था, और जो इस समय का है मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, वो महासभा के अधीन होता है। इस परिषद के सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है, और जिसमें एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, और हर साल क्या होता है, एक तिहाई सदस्य इसमें रिटायर होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, भी बताया है, जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भूमिगत जल के क्षय को रोकने के लिए किस राज्य में पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया, पानी को बचाइए पैसे को कमाइए, ये योजना किसे शुभारंभ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, पंजाब में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, स्टेशन परिसरों के सौंदर्यीकरण मतलब ब्यूटिफिकेशन जो है प्रतियोगिता में पहली रैंक किस स्टेशन को मिली है, जो पहली रैंक है वो ब्यूटिफिकेशन में जो किस स्टेशन को मिली है, तो किसको मिली, महाराष्ट्र का बालारसा स्टेशन जो है वो, और चंद्रपुर रेलवे स्टेशन को। तो देखिए बालारसा जो है ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी जो वही चंद्रपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ही आता है। चंद्रपुर रेलवे स्टेशन को तो मिली है, लेकिन महाराष्ट्र का जो बालारसा है वो भी कहाँ पे, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो ये किसके अंतर्गत है, मध्य रेलवे के अंतर्गत। जो मध्य रेलवे है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, मुंबई में है, कहाँ पे, मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल जो है इसका मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो क्वेश्चन क्या था कि जो ब्यूटिफिकेशन के लिए फर्स्ट रैंक किसे दी गई है, किस स्टेशन को, तो महाराष्ट्र के बालारसा और चंद्रपुर रेलवे स्टेशन को दी गई है। तो ये बालारसा जो भी वो भी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ये मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं, मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अब दूसरी रैंक जो प्राप्त करी तो मधुबनी ने की है, जो मधुबनी स्टेशन है जो कि बिहार में है, और कौन सी, मदुरई जो कि तमिलनाडु में, मधुबनी स्टेशन जो कि बिहार में है और जो मदुरई जो कि तमिलनाडु में। तो मधुबनी तो पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आ गया, तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो वो मुख्यालय वो कहाँ पे, हाजीपुर में। हाजीपुर भी कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, तो मदुरई जो है उसका वहाँ पे दक्षिण वाले में आ गया, तो वहाँ का जो मुख्यालय वो चेन्नई में पड़ता है। तो जो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल, और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार, और अगर दक्षिण की बात करी जाए तो वो चेन्नई है। जाता परियोजना कहाँ की है, तो कहाँ की, महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले की है। तो इसमें क्या है, ये जो प्रस्तावित है ये कितनी, 9900 मेगावाट की है, मतलब 9900 मेगावाट की है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब NPCIL का है। किसका है,
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, और कितना प्रस्ताव है 19, इसकी जो कैपेसिटी बोली गई है 9900 मेगावाट की है। तो ऐसा है कि 6 दिसंबर 2010 को फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट में साइन किया गया था। मींस क्या है कि वर्ष 2010 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में फ्रांस की सहायता से जो जैतापुरा परमाणु विद्युत गृह है, तो इसकी स्थापना के लिए एग्रीमेंट किया गया था कि मतलब फ्रांस की सहायता से यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो जिसकी बात करी गई है, जो ऑनर है वो कौन, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान रहे कि ये जो ट्रीटी जो समझौता हुआ था वो फ्रांस वो कब हुआ था, 2010 में हुआ था। तब फ्रांस ने बोला था कि इसमें यहाँ महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी जिले में जो भी ये जैतापुरा में जो परमाणु विद्युत गृह है वहाँ पे स्थापना की जाएगी। तो ये जो पूरी इसकी जो प्रस्तावित जो कैपेसिटी है वो 9900 मतलब 9900 मेगावाट की है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की स्वात घाटी के जहानाबाद में तालिबानियों ने बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया था। किसे तोड़ा था, डायनामाइट से उड़ा दिया था, मींस जिसे इटली की मदद से वापस बनाया गया। स्वात घाटी को किस नाम से जाना जाता, मतलब जिसका निक नेम है वो क्या है, तो स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। देखिए, पाकिस्तान की स्वात घाटी के जहानाबाद में तालिबानियों ने बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया था। वो किससे तोड़ा था, डायनामाइट से, जिसे इटली की मदद से वापस बनाया गया है। तो स्वात घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वात घाटी का निकनेम है स्विट्जरलैंड्स ऑफ द ईस्ट, स्विट्जरलैंड्स ऑफ द ईस्ट है। इसमें जो बुद्ध जी की प्रतिमा है वो मतलब इस तरीके बुद्ध जी जो हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और ये कम से कम 21 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रस्तर प्रतिमा मानी जाती है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ये प्रतिमा मानी जाती है। किस राज्य की सरकार ने सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की, किस राज्य की सरकार ने सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की है, तो किस राज्य की सरकार ने की, गुजरात राज्य की सरकार ने की। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को इनकरेज करना है, मतलब उन्हें बढ़ावा देना है। किस राज्य की सरकार ने सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की, तो क्या है, गुजरात। क्या इसका उद्देश्य है, इस जो स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ उनको इनकरेज करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, हाल ही में NTPC ने नए सौर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो कहाँ पे किया, मध्य प्रदेश में किया है। NTPC की बात हुई तो NTPC का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाल ही में ब्रीथ इंडिया नामक कार्य योजना किसने शुरू की है, ब्रीथ इंडिया नामक कार्य योजना किसने शुरू की, तो किसने शुरू की, नीति आयोग ने ब्रीथ इंडिया नामक कार्य योजना की शुरुआत की है। तो चलिए अब हम लोग इसकी स्टैटिक पोर्शन की आज देखते हैं। तो देखिए स्टैटिक पोर्शन आज जो मैंने लिया है वो पिरोटन आइलैंड लिया, PIROTAN आइलैंड, पिरोटन आइलैंड। तो एक बार उसकी मैं लोकेशन को दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जामनगर जहाँ दिख रहा है, और ये देखिए ऊपर यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हमारा पड़ता है, कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे। तो यहीं पे कच्छ की खाड़ी में ही मैरीन नेशनल पार्क है, वहीं पे क्या है, पिरोटन आइलैंड है। तो पिरोटन आइलैंड कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी पे है, कच्छ की खाड़ी पे ही यहीं पे क्या है, मैरीन नेशनल पार्क। इस तरीके गुजरात राष्ट्रीय जो समुद्री पार्क है, जो गुजरात का राष्ट्रीय समुद्री पार्क है या मैरीन नेशनल पार्क है, कच्छ की खाड़ी में वहीं पे क्या है, पिरोटन आइलैंड। पिरोटन की मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, PIROTAN, पिरोटन बोलिए या इंग्लिश में पिरोटन, PIROTAN, पिरोटन आइलैंड कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी में है, और कहाँ पे, जो गुजरात राष्ट्रीय समुद्री पार्क या मैरीन नेशनल पार्क है वहाँ पे है। तो देखिए ये जामनगर के पास पड़ता है, जामनगर तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जामनगर से ये क्या 12 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस पे है। 12 नॉटिकल की बात करी तो हमें पता है कि जो समुद्री ये जो डिस्टेंस नापते हो किसे, नॉटिकल से नापते हैं, तो 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे है। और एक नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है, 1.8 माइल के बराबर होता है। एक नॉटिकल जो मील होती है 1.8 मील के बराबर होती है। तो हमें पता भी है कि अगर हमारी जो समुद्री जो सीमा है, 12 समुद्र जो हमारा जो एक आधार होता है, जैसे तट से एक आधार बोल दिया गया, तो वहाँ से जो 12 मील की जो दूरी है वहाँ पे हमारे देश का पूरा अधिकार होता है, हर तरह का अधिकार होता है। तो मतलब हमारी जो तट रेखा है, तट रेखा से मतलब टेढ़ी मेढ़ी तो एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दी जाती है जिसे आधार रेखा बोलते हैं। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील की डिस्टेंस पर जितने भी समुद्र का जो भी होगा वो हम पूरा जो होगा वो क्या होता है, हम भारत, जैसे अब हम लोग के देश की बात करें तो मतलब हमारे देश का पूरा अधिकार होगा, तो उसमें भारत का ही संपूर्ण अधिकार होता है। और उसके बाद क्या होता है, अगर 24 समुद्री मील की बात करी जाए, पहले ये 12 है, अब अगर 24 की बात करी जाए, तो उस पर क्या होता है, जैसे सफाई वगैरह करना है, वहाँ से जो सीमा शुल्क वसूल करना है, एक मतलब वित्तीय अधिकार जो होता है वो हमारे देश का है।
ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद इसमें अगर 200 समुद्री मील की बात करी जाए तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ तक तो हो गया सीमा शुल्क की बात कर दी गई, वित्तीय अधिकार की बात कर दी गई, लेकिन उसमें वहाँ पे जैसे भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान जो रिसर्च बनाना है या किसी भी आइलैंड का निर्माण करना है तो उस तरीके की वहाँ पर छूट होती है। इसके बाद का जो होता है वो हाई सी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हर राष्ट्र का जो होता है समान अधिकार होता है। तो देखिए क्या 12 समुद्री मील पर संपूर्ण अधिकार होता है और 24 समुद्री मील पे क्या होता है, जैसे भारत की सफाई जो साफ सफाई कर रहा है वहाँ की सीमा शुल्क को वसूल कर रहा है, ये सब अधिकार होता है। और जो देश का एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 समुद्री मील तक होता है, देश का अनन्य एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो कहाँ तक होता है, 200 समुद्री मील तक होता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत का जो जैसे हम लोग का देश है तो उसमें रिसर्च कुछ भी करना है तो मतलब रिसर्च सेंटर कोई खोलना, तो वैज्ञानिक अनुसंधान, वन नए आईलैंड का निर्माण करना है, ये सब वहाँ पर इसकी जो, और उसके बाहर का जो होता है वो हाई सी कहलाता है, मतलब उच्च सागर, तो जहाँ पे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पिरोटन आइलैंड कहाँ पे है, तो पिरोटन आइलैंड कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी में है, और कच्छ की खाड़ी में और जामनगर से कितना 12 नॉटिकल माइल की दूरी पे है, कच्छ की खाड़ी में मैरी नेशनल पार्क में, मतलब गुजरात के राष्ट्रीय जो समुद्री पार्क है वहाँ पर है। तो आज इतना ही रखते हैं, स्टैटिक पोर्शन का, चाहे इंडिया को चाहे